हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस बी पी जी टी इंग्लिश का जो मेल का एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में विच वॉज ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून उसका एनालिसिस ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है फीमेल्स के लिए जिनका एग्ज़ाम पाँच जुलाई को है सो so जरूर देखिएगा इस वीडियो को एंड तक सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट थिंग और एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट सो जैसे कि हमें पता है दो पार्ट में डिवाइड होता है डी ट्रिपल एस बी का पेपर फर्स्ट इज़ योर जनरल पेपर एंड अदर वन इज़ योर मेन सब्जेक्ट पेपर जिसमें हमारा पेडागोजी के भी क्वेश्चन आते हैं सो so, जो फर्स्ट पेपर था जनरल पेपर वो हमारा था इजी टू मॉडरेट मतलब मीडियम था ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था जनरल पेपर बट लेंदी बहुत था जो क्वेश्चंस थे वो आते थे एस्पिरेंट्स को बट टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा चाहिए होता है कि हम लेंदी क्वेश्चंस को कैसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके तो हम देखते हैं रीजनिंग कैसी थी ईजी थी रीजनिंग बट लेंदी थी सो so, पोजिशन वाले क्वेश्चन देखे गए दो से तीन जिसमें कि सर्कुलर में, में आठ लोग बैठे हैं छः लोग बैठे हैं या फिर एक लाइन में छः या सात लोग बैठे हैं सो so, ऐसे क्वेश्चन दो से तीन देखे गए तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा सो दैट यू गेट ऑल टू थ्री क्वेश्चन राइट अगर आपके एग्जाम में आए देन फाइंड द मिसिंग नंबर मिसिंग अल्फाबेट से भी चार से पांच क्वेश्चन देखने को मिले हैं अगर आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं फाइंड द मिसिंग नंबर अब वो किसी भी तरीके से पूछ लेते हैं अलग अलग तरीके से ठीक है या फिर अल्फाबेट्स से वर्ड से अनोलॉजी हम जिसे कहते हैं ठीक है एनोलॉजी से भी क्वेश्चन देखे गए देन अब आते हैं मैथ्स की तरफ मैथ्स भी ईजी था बट लेंदी था जी हाँ मैथ्स के ईजी क्वेश्चन थे प्रॉफिट लॉस से दो तीन क्वेश्चन आए एरिया पेरीमीटर से स्लैंट uh, हाइट से इससे uh, दो से तीन क्वेश्चन एरिया पेरीमीटर स्लांट हाइट इस वाले सेक्शन से आए हैं दो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के थे और इंटरेस्ट से भी एक क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे ईजीली कर पा रहे थे एस्पिरेंट्स बट हाँ कैलकुलेटिव थे ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत थी तो अगेन टाइम मैनेजमेंट इज़ वॉट यू ऑल नीड देन जो इंग्लिश था वो मॉडरेट था इंग्लिश के एस्पिरेंट्स है पी जी टी के सो ऑब्वसली ईजी नहीं होगा सो so जो आ, उसके लिए हमें कैस कैसे तैयारी करनी है सिनेिम्स आंटेनिम्स बहुत अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है मेरी एक वी आ, मैंने पाँच से छः वीडियोस डाली है मोस्ट रिपीटेड सिनेम्स एंटेनिम्स के अगर आपने वो नहीं देखी है उससे काफ़ी वर्ड्स रिपीट होते हैं एग्जाम्स में तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया प्लीज़ डू वॉच इट देन कैसे क्वेश्चन थे पी क्यू आर एस वाले बहुत क्वेश्चन थे और वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे मतलब पी क्यू आर एस मतलब हमें सेंटेंस में करेक्ट वे में अनजम्बल सेंटेंस को एक मीनिंगफुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में उन्हें लगाना था ठीक है सो पी क्यू आर एस वाले दो से तीन क्वेश्चन देखे गए देन जो पैसेज था वो भी ज़्यादा ईजी नहीं था तो हम कह सकते जो इंग्लिश थी वो मॉडरेट थी इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सबसे पहले तो सिननिम्स एंटेनिम्स अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि पैसेज में भी पूछे जाते हैं अलग से भी पूछे जाते हैं सो जनरल इंग्लिश में चार से पाँच आप मान के चलो दोनों मिला के आते ही हैं सिननिम एंटेनिम्स एक आधा ईडीएम वगैरह भी पूछ लेते हैं फ्रेज तो वो भी देख लीजिएगा देन पैसेज की आप प्रैक्टिस करिए कि सो दैट कि आप जल्दी में उसे सॉल्व कर सकें अब आ जाइए हिंदी की तरफ हिंदी ईजी नहीं थी ज़्यादातर होता है कि हिंदी जनरल पेपर की ईजी आती है जी नहीं छंद से क्वेश्चन आए गए अलंकार से क्वेश्चन देखे गए तो नॉर्मली अलंकार से ज़्यादा क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी में नहीं पूछे जाते हरियाणा के एस्टेट वगैरह में हरियाणा के एग्जाम्स में आते ये ये वाले टॉपिक्स छंद और ये सब बट इस बार हिंदी ईजी नहीं थी तो वो भी आप अपना सेक्शन स्ट्रांग करना हिंदी का अब आ जाइए सेकंड पेपर जी हाँ जो मेन हमारा सेकंड पेपर है पीजीटी टी एस्पिरेंट्स के लिए वो था डिफिकल्ट अब वो डिफिकल्ट क्यों था अगर हम इंग्लिश के एस्पिरेंट है या तो हमें ग्रामर आएगी या तो हमें इंग्लिश आएगी है ना सो so, जो ग्रामर थे ग्रामर के हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे पंद्रह से बीस क्वेश्चन थे पिछली बार जो टी इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था पूरा ग्रामेटिकल बेस्ड था सिर्फ सात आठ या दस क्वेश्चन मैक्सिमम लिटरेचर से आए बट पी में ऐसा नहीं देखा गया पंद्रह से बीस क्वेश्चन थे सिर्फ हमारे ग्रामर के बट ग्रामर ईजी थी ठीक है ग्रामर डिफिकल्ट नहीं थी बट जी हाँ जो लिटरेचर के क्वेश्चन थे जो एस्पिरेंट लिटरेचर की अच्छे से तैयारी कर रहा है स्पेशली यू नेट के लिए उसको ये एग्जाम ईजी लगा होगा अदरवाइज जो नेट की तैयारी नहीं कर रहा उसको ये एग्ज़ाम जरूर डिफिकल्ट लगा होगा क्योंकि आप खुद देखिए पचास से साठ नंबर की सत्तर नंबर की अगर आपको सिर्फ लिटरेचर ही आ जाए और लिटरेचर में क्या कौन से राइटर्स थे रोमांटिक पीरियड से काफ़ी क्वेश्चंस थे सो so, रोमांटिक पीरियड के लिए हमें वर्ड्सवर्थ वर्थ कॉलरज बायरिन और कीट्स तो शैली ये, ये सारे जो राइटर्स है बेसिकली जिनका भी मैंने नाम लिया ये मोस्ट एमिनेंट राइटर्स है रोमांटिक पीरियड के तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा सो दैट लिटरेचर आपका स्ट्रॉन्ग हो सके देन ब्रिटिश लिटरेचर ब्रिटिश लिटरेचर में हमारे चार मेन राइटर्स हैं वो तो आप बहुत अच्छे से करना अदरवाइज ब्रिटिश लिटरेचर के बहुत से और भी राइटर्स हैं अगर हम इंग्लिश के एग्ज़ाम की बात करें टी जी कोई भी हो तो शेक्सपियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है शेक्सपियर के बारे में तो हमें सब पता करना ही करना है हर एक वर्क के बारे में उनके हर एक कैरेक्टर के बारे में जो उनका है ठीक है तो शेक्सपियर के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना रखी है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है अगेन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के ऊपर वो वीडियोज़ हैं तो ब्रिटिश लिटरेचर में हमारे वर्ड्स वर्ड -word आ जाते हैं मिल्टन से बहुत क्वेश्चन देखे जाते हैं डी ट्रिपल एस बी में देन शेक्सपियर से देन एक जो हमारे राइटर है गोल्स वोधी इनसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं देन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर इस बारी का जो भी मेल का एग्जाम था इसमें दो क्वेश्चन हमारे ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से आए हैं तो आपको मेन जो एमिनेंट राइटर्स हैं उनके वर्क के बारे में पता होना चाहिए देन इंडियन लिटरेचर से भी तीन चार क्वेश्चन आए हैं इंडियन लिटरेचर पे भी मैंने बहुत सी वीडियोज बनाई हैं इंडियन लिटरेचर में हमारे खुशवंत सिंह मेन राइटर है इजिकिल है और हमारे आ, कमला दास मेन राइटर है तो यही जो चार पाँच जो मेन राइटर्स हैं इंडियन लिटरेचर के वो भी हमें पता होने चाहिए देन एचपे से एक क्वेश्चन आया है मतलब चिनुआ एच बे एक अफ्रीकन लिटरेचर के राइटर है ठीक है सो so, एक एच बे से भी क्वेश्चन आया है उनके किसी वर्क के बारे में सो so, जितने भी एच बे के वर्क्स हैं वो आपको पता होना चाहिए अदरवाइज आई वुड से आप अफ्रीकन लिटरेचर के भी सारे मतलब इम्पॉर्टेंट राइटर्स चार पांच जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके सारे आप वर्क्स देख लीजिए और जो पेडगॉजी थी वो ईजी थी टी ट्रिपल एस बी की पेडागॉजी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं थी अटम्प्ट करनी बेसिकली जो सेकेंड पेपर था वो डिफ़िकल्ट इसलिए था बिकॉज ऑफ इट्स लिटरेचर पार्ट सो ये था हमारा एनालिसिस जो अभी हाल ही में इंग्लिश का एग्जाम हुआ है 21 जून को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो वैल्यूएबल लगी हो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो हैव अ ग्रेट डे